आपका कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है? आपका पटना। पीछे वाला पंखा बता दीजिए। एडमिशन हो गया आपका पटना यूनिवर्सिटी में? अच्छा, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ओके, तो आप लोग सबसे पहले अभी देखिए कि आप लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन सा किताब चलेगा, कौन से टॉपिक में क्या हमारा हमको करना होगा, है ना। तो देखिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे टॉपिक जो आप बोलिए। बीएससी फिजिक्स पार्ट वन। देखिए, बीएससी फिजिक्स पार्ट वन में आपको टोटल 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो होता है वो 500 नंबर का होता है, ठीक है। ये 500 नंबर डिवाइड होता है 5 पेपर में, ठीक है। पेपर के नाम इस प्रकार से होंगे, पहला होगा फिजिक्स, ये चॉइस है फिजिक्स ऑनर्स है ना, दोनों लोग का फिजिक्स ऑनर्स है ना। तो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा फिजिक्स ऑनर्स पेपर वन, इसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स ऑनर्स पेपर वन। उसके बाद आ जाइए, ये होगा 100 मार्क्स का नहीं, इसको कह लीजिए 75 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम होगा फिजिक्स ऑनर्स पेपर टू का, ठीक है। ये पटना यूनिवर्सिटी का नहीं, अभी फ़िलहाल पाटलिपुत्रा का बताते हैं। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी प्लस भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, ठीक है, प्लस जेपी यूनिवर्सिटी, है ना, ये सबका है जेपी यूनिवर्सिटी। फिर आपका है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी VKSU, है ना, और प्लस यही सिलेबस आपका भी है BN मंडल यूनिवर्सिटी BNMU, है ना, और यही जो है PPU भीमराव अंबेडकर, JP यूनिवर्सिटी, BN मंडल यूनिवर्सिटी, है ना, ये सब का सिलेबस भी यही है। बाकी लोग का थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा और यूनिवर्सिटी का सबका सेम है। हाँ, यही आपका रहेगा मगध यूनिवर्सिटी का भी। पाटलिपुत्रा में एक यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज में सिलेबस सेम होगा, एक यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज में सिलेबस सेम होगा, ठीक है। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में लिया आपने? AN कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है। तो AN कॉलेज हो पाटलिपुत्रा में, चाहे कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, चाहे TPS कॉलेज हो, चाहे बाढ़ बख्तियारपुर का कोई कॉलेज हो, नालंदा का कोई कॉलेज हो, बिहार शरीफ का कोई कॉलेज हो, सब में सिलेबस एक ही होगा। उसी प्रकार से भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी अगर कोई हाजीपुर में कॉलेज है, मुजफ्फरपुर में कॉलेज है ना, फिर उधर सीतामढ़ी तक यही चलता है ना, सीतामढ़ी में कोई कॉलेज हो, जितने सारे भी कॉलेजेज हैं उस सब में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज फिजिक्स का एक ही सिलेबस होगा, ठीक है। तो ये भी आपका कंटेन करेगा 75 मार्क्स, 75 मार्क्स का फिजिक्स ऑनर्स पेपर वन रहेगा, 75 मार्क्स का फिजिक्स ऑनर्स पेपर टू रहेगा। उसके बाद तीसरा नंबर में आपका जो रहेगा मैथमेटिक्स, इसको हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी पेपर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी पेपर, और ये आपको रहेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, अगला रहेगा आपका केमिस्ट्री सब्सिडियरी। तो केमिस्ट्री सब्सिडियरी आपका जो रहेगा वो रहेगा 70 मार्क्स का, 70 नंबर का, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम रिटन होगा, ये जितने सारे भी एग्ज़ाम होंगे ये सब कैसे होंगे? रिटन होंगे।
अब इसके बाद आ जाइए नीचे में, फिजिक्स ऑनर्स प्रैक्टिकल, और ये प्रैक्टिकल जो होगा फर्स्ट ईयर में ये आपको 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद अगला एग्ज़ाम जो होगा वो केमिस्ट्री सब्सिडियरी प्रैक्टिकल का होगा, यह आपका 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इस सब को अगर जोड़ दीजिएगा तो 70-3100। अच्छा अभी और रुकिए, इसमें एक चीज़ और छूट गया हमारा, लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर को आप दो प्रकार से चुन सकते हैं। पहला तो ऑप्शन है कि आप 50 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश दोनों ले लीजिए, हिंदी प्लस इंग्लिश ले लीजिए, 50 नंबर का हिंदी 50 नंबर का इंग्लिश, तो 100 मार्क्स ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसी में केवल हिंदी ले लीजिए, ठीक है, 100 मार्क्स का आप केवल हिंदी ले लीजिए, ठीक है। हिंदी पढ़ना कंपलसरी है, राष्ट्रभाषा, ठीक है। सो टोटल आपको 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 500 मार्क्स का, काउंट करके देख लीजिए, है ना, 75-75 150 और 50 200 एक 300 400 और 100 नंबर का ये 500। पेपर का ओरिएंटेशन इस प्रकार से है, ठीक है। आपको इतना सारा एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में देना होगा। अब आ जाइए कि फिजिक्स ऑनर्स में फर्स्ट ईयर पेपर वन में क्या पढ़ना है। फिजिक्स ऑनर्स पेपर वन में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए पेपर वन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैकेनिक्स के इर्द गिर्द मूव करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जितने भी पेपर हैं वो सब के सब मैकेनिक्स के इर्द गिर्द मूव करते हैं। हम बेसिकली उन पेपर्स को दो भाग में बांटते हैं, ठीक है, आगे और भी डिवीज़न होगा, लेकिन शुरुआत में हम उसको दो भाग में बांटते हैं। एक तो उन पार्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिनका स्पीड कम होता है, और एक उन पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं जिसका स्पीड कह लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। स्पीड ऑफ लाइट तो पता होगा कितना होता है, पर सेकेंड, हाँ, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड को हम लोग कहते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल जो स्पीड होता है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड। तो हम लोग को फिजिक्स दो प्रकार का पढ़ना है, फिजिक्स मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स या ऐसे कर लीजिए फिजिक्स ऑफ मैकेनिक्स ऑफ हाई वेलोसिटी पार्टिकल एंड लो वेलोसिटी पार्टिकल। तो इस पेपर वन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में, हाई वेलोसिटी फिजिक्स, हाई वेलोसिटी फिजिक्स, है ना, और एक को हम लोग बांटते हैं लो वेलोसिटी फिजिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये हाई वेलोसिटी फिजिक्स को ही हम लोग कहते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। इसमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होता है इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये जिस पेपर में हमको पढ़ाया जाता है वह पेपर कहलाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यह जो पेपर में पढ़ाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। हेलो, हाँ, मॉर्निंग, बताइए। हाँ चलता है, आज ही से स्टार्ट होने वाला है। हाँ हाँ चलेगा,
हाँ शरद सर, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ अच्छा ठीक, पार्ट थ्री 2 बजे से स्टार्ट होगा, 5,200, 200, 5,200। आ जाइए ऑफिस में, आ जाइए ना, पुराने विद्यार्थी हैं, आपको क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, सर को करना है। अच्छा किसको करना है, आपको करना है या? इसके लिए जो है नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, ठीक है? नोबेल प्राइज़ इसलिए नहीं मिला, नोबेल प्राइज़ पहले समझ लीजिए कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है नोबेल प्राइज़। और नोबेल प्राइज़ किसी व्यक्ति को तभी दिया जाता है जब उसके द्वारा किया गया कोई काम देश, दुनिया या समाज के लिए, या कह लीजिए संसार के लिए कुछ बेनिफिशियल साबित हो, ठीक है? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। इसके पीछे वजह ये है कि ये पेपर उन्होंने लिख तो दिया, दुनिया को समझा भी दिया, इसके जो रिजल्ट्स हैं इसको हम लोग हायर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं, यूनिवर्स के या कह लीजिए प्रकृति के कई एक राज जो हैं इस पेपर के वजह से खुले। अभी आजकल रिसेंटली हॉलीवुड बहुत सारा सिनेमा भी इस पेपर पर बना रहा है, जिसमें टाइम मशीन, टाइम डायलेशन है ना, जिसमें आप लोग बार बार देखते होंगे कोई आदमी फ्यूचर में चला जाता है, फ्यूचर में जा करके चीज़ों को परिवर्तित करता है, तो वगैरह वगैरह जितनी सारे भी रिजल्ट्स हैं जो भी दिखाया गया इमेजिनेशन में, वो सब इसी पेपर के रिजल्ट्स हैं, है ना, जिसको जो शायद अब लोगों के इमेजिनेशन में धीरे धीरे बैठता जा रहा है। लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं होने के वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन को इसके लिए नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। अब एक बात समझिए कि अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आप देखिएगा तो हमारे यहाँ शुरुआत में तकरीबन 16 विषय की पढ़ाई होती थी, 16 विषय की, और हर एक विद्यार्थी ये 16 विषय पढ़ता था। ऐसा नहीं कि अगर आप फिजिक्स के विद्यार्थी हैं तो आप फिजिक्स पढ़ेंगे, आज तो 3 ही पेपर पढ़ने को मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में, है ना। तो हम लोग को लगता है कि केमिस्ट्री और मैथ से कब छुटकारा मिले, केवल फिजिक्स पर कब रहें, है ना, अब नहीं लगता है, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा लगभग सारे बीएससी के छात्रों को लगता है कि यार मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से जल्दी छ थर्ड ईयर में जाते हुए चैन की सांस लेते हैं, हाँ, बच गए, है ना। तो ऐसा नहीं है, पहले के समय में लोग 16 विषय पढ़ते थे जिसमें गणित कंपलसरी था, कंपलसरी क्या, सारा सब्जेक्ट ही कंपलसरी होता था। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी डिस्कवरी हुए उन सारे डिस्कवरी को दुनिया नहीं माना। हमारे बहुत सारे वेद और पुराण में बहुत सारे ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं, बहुत सारे शास्त्र ऐसे हैं, तो यहाँ के लोग इमेजिनेटिव थे, सोच सकते थे, क्योंकि यहाँ के लोगों का आध्यात्मिक अप्रोच बहुत अच्छा था, है ना। लेकिन यहाँ के लोगों के पास एक चीज़ नहीं था, वो था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ,
वो दुनिया को साबित कुछ नहीं कर पाए, वो सिर्फ उनको बता पाए, तो बता पाए। जैसे आप लोग भी 9th क्लास में पढ़े होंगे, जब एटम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा होगा कि सबसे पहले पदार्थ के न्यूनतम कण की खोज हमारे यहाँ के एक महर्षि किए थे, कनाद, है ना। तो कनाद को इसलिए भी उपाधि दे दी गई, और भी इंडियन बुक्स में है, फॉरेन के किताब में इनका नाम भी नहीं आता है, क्योंकि कण के बारे में बताया था उन्होंने कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनाया, जिसको हम कण कहेंगे। ये बात उन्होंने दुनिया को बताई थी। खैर, उसको साबित भी कर देना आसान था तो उनका नाम आ गया, लेकिन इंडियन बुक में, इंडिया के बाहर अभी भी, मतलब इंडिया का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, श्रीलंका आता है, या यूं कह लीजिए कि साउथ एशिया के सारे कंट्रीज आते हैं, है ना। तो इनके बुक्स में कनाद का नाम तो आता भी है, और अगर चले जाइए यूरोपियन कल्चर में या यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम में, वहाँ इनका नाम भी नहीं है। अमेरिकन में चले जाइए, वहाँ इनका नाम भी नहीं है। अफ्रीकन में चले जाइए, वहाँ इनका नाम भी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन कल्चर में भी इनका नाम नहीं है, महर्षि कनाद का। वजह सिर्फ एक है कि जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, जो बात आप साबित नहीं कर सकते, वह बात लोग सत्य नहीं मानते, है ना। तो खैर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ इसी प्रकार का पेपर है, जिसके बारे में बताया आप लोगों को कि बहुत सारी घटनाएं, जैसे सबसे इंटरेस्टिंग घटना जो आजकल के बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है समझने में, वो है टाइम डाइलेशन की घटना, साइमल्टेनिटी की घटना, और एक टाइम ट्रेवल की घटना, है ना। ये 2-3 घटनाएं लोगों को ज़्यादा प्रिय होता है। अब क्या है टाइम डाइलेशन, या क्या है हमारा साइमल्टेनिटी की घटना, ठीक है, साइमल्टेनिटी की घटना क्या है, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। तो ये पेपर कहता है कि प्रत्येक चीज़ जो है वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है। कोई दो घटना जो एक फ्रेम में साइमल्टेनियस घट रहा है, साइमल्टेनियस कहने का मतलब हुआ एक साथ घट रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे फ्रेम में भी साइमल्टेनियस घटेगा। अब यह बात हम केवल कह रहे हैं, लेकिन इसी बात को हम मैथमेटिकली प्रूफ भी कर देंगे, है ना। तो घटना का क्रम बदल जाता है। जैसे अभी रिसेंटली कोरोना पीरियड में हम लोगों को महाभारत दिखाया गया टेलीविज़न पर, हम ये नहीं कहते वो सही था या गलत था। उसका एक जगह है, उस सीरियल में एक जगह पर दिखाया गया, या हम लोग भी सुनते आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिए थे, उस समय काल को रोक दिए थे, समय को रोक दिए थे, यह बात सुने हैं। अब हम ये साबित करना चाहते हैं कि क्या समय रुक सकता है। हमने आज तक बचपन में से पढ़ते आया है कि समय कभी नहीं रुकता, समय जो है वो चलते रहता है, नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्या किया कि समय ही रुक गया, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्या किया कि समय ही रुक गया। तो थोड़ा सा इस बात को समझेंगे कि समय रुक गया, ये हमारे यहाँ पॉसिबल है, इसी को हम लोग कहते हैं टाइम डाइलेशन। जीरो सिनेमा भी आया कुछ दिन पहले शाहरुख खान का, इसमें देखे नहीं देखे, तो जीरो सिनेमा में एक जगह पर दिखाया है शाहरुख खान को अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, जब वो वापस लौट के आता है तो शाहरुख खान यंग रहता है, जबकि एक वैज्ञानिक होता है जिससे शाहरुख खान शादी करना चाहता है, वह वैज्ञानिक जो वो बूढ़ी हो जाती है ना। ये जो घटनाएं हैं ये सब टाइम डाइलेशन की घटना है। ये जो पूरा सिनेमा बनाया गया, ठीक है, एक लव स्टोरी को छोड़ दीजिए, ये सिनेमा का कॉन्सेप्ट तो बेसिकली यही ना दिखाना था, टाइम डाइलेशन की घटना ही दिखाने की। वो हमारे यहाँ रिलेटिविटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह लीजिए या टॉपिक कह लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं ट्विन पैराडॉक्स। इनके कैलकुलेशन के बेसिस पर दो बच्चा होता है, दो लड़का होता है 20 साल का, एक लड़का को अर्थ पर भेज दिया जाता है, ट्विन समझते हैं ना, ट्विन का मतलब जुड़वा, तो एक लड़का को यहाँ पर रख दिया जाता है, दूसरा लड़का को स्पेसशिप में फेंक दिया जाता है, मतलब 0.99C के स्पीड से। जब वो वापस लौट के आता है तो उसका उम्र 22 साल होता है, लेकिन जो लड़का धरती पर रह जाता है उसका उम्र 40 साल हो जाता है, 18 साल का एज डिफरेंस ही हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो मैथमेटिकली तो हम ये बात समझते हैं, थ्योरेटिकली यह बात समझते हैं
लेकिन आज तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। अब क्या वजह है कि हम इसको प्रैक्टिकली नहीं एक्सपीरियंस कर सकते? तो हम पहले कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट को किसी भी मैकेनिकल सिस्टम से गेन नहीं किया जा सकता, यह स्पीड नेचुरल होता है। दैट मीन्स कि आप कितना भी बड़ा एक्सेलरेटर बना लें, कितना भी हाई एक्सेलरेशन आप करा लें, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट तक, के स्पीड तक आप नहीं पहुंच सकते। किसी भी मैकेनिकल बॉडी को आप स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड तक आप नहीं फेंक सकते, ठीक है। यह ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड इन नेचर, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इसलिए हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यह एक पॉस्टुलेट भी है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड फाउंड इन नेचर। तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम में से कोई लोग स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने लगेंगे तो ये दुनिया हमको कैसा दिखेगा, और वहाँ पर यह साबित भी करेंगे कि अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना प्रारंभ कर दिए तो समय रुक जाएगा। तो हमारे लिए समय क्या होगा? रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोग कह देते हैं, मुझे नहीं पता महाभारत सच्ची घटना है या काल्पनिक है, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ ये बात है उसको हम लोग रिलेटिविटी से कंपेयर कर देते हैं। फिजिक्स वाले लोगों का एक बात मान के चलिएगा, वी आर वेरी डिप्लोमेटिक, वी डू नॉट आर्ग्यू विथ एनी वन एंड विथ एनी माइथोलॉजिकल थ्योरीज। हम लोग किसी के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करते हैं और ना ही किसी भी माइथोलॉजिकल स्टोरी पर हम लोग आर्ग्यू करते हैं। हमारा काम है ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो है रिजल्ट्स देना, बताना लोगों को। जैसे कोई घटना घट गई, वी डू नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, वी आर नॉट द गॉड, हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे कि ऐसा होगा, नहीं, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। घटना घट रही है, हम लोग साइड में खड़ा होकर देखेंगे घट रहा है, उसके बाद अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अपने ऑब्जर्वेशन और अपने इमेजिनेशन तीनों को मिला करके हम एक निष्कर्ष बताएंगे और दुनिया को समझाएंगे कि ये घटना घटी तो क्यों घटी, इसके घटने के पीछे वजह क्या क्या है ना, ये तमाम बातें हम दुनिया को बताएंगे। सो ये रिलेटिविटी एक उसी प्रकार का पेपर है जो कम्प्लीटली यह बात कहता है कि आपके सराउंड में होने वाली घटनाएँ ये सब के सब आपके फ्रेम पर निर्भर करता है। फ्रेम को फिजिक्स में कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और आम बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं नज़रिया, जिसमें हम लोगों को बचपन से ही यह बताया जाता है जैसा सोचोगे वैसा ही दिखेगा, जैसा सोचोगे वैसा ही दिखेगा। अगर किसी व्यक्ति में आपको विलन नज़र आता है, कोई व्यक्ति से आपको नफरत है, तो आपको केवल उसकी बुराई ही दिखेगी। अगर किसी व्यक्ति को आप अच्छा मानते हैं तो वो आपको पूरा अच्छा ही लगेगा। जैसे भगवान श्री राम का कैरेक्टर, अब सब लोग का अपना अपना नज़रिया है देखने का, तो सबके नज़रिया में वो हीरो है। भगवान राम काल्पनिक है या रियल है हम इस पर बहस नहीं करेंगे, वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है ना, तो हम उस पर बहस नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि भगवान राम थे, मान लेते हैं भगवान राम थे, तो भगवान राम थे तो उनका जो कैरेक्टर है किसके किसके पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा था? अयोध्या की जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा था, लक्ष्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था, भरत के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था, लेकिन क्या सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था? बात पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि नहीं, क्या सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से राम का कैरेक्टर अच्छा था? कैरेक्टर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कैरेक्टर खराब, तो आजकल जो कैरेक्टर का मीनिंग आ गया है मार्केट में, अगर हम कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर खराब है दैट मीन्स हम शराबी होंगे, शबाबी होंगे या जुआड़ी होंगे। सो इसके अलावा भी और कैरेक्टर है, आपका नेचर है, आपका बिहेवियर है। तो सवाल तो तब उठता है कि जब लवकुश के रामायण में लवकुश जो है सीता पर लगे हुए लांछन का सवाल भगवान राम से किए, तो भगवान राम जो है उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो उनका भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। जैसे हम लोग सभी के फैमिली में होता है गुतिया का लड़ाई होता है, भाई भाई में लड़ाई होता है। अब भाई के जो बेटे हैं उनको अपने माता पिता से जो बात पता चली तो उनका भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना।
और यदि तुम घटनाएं सोचोगे किसी एक के तरफ से, तो तुम जिसके तरफ से सोचोगे तुमको वही सही नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड नजरिया, इसी को पॉइंट ऑफ व्यू कह लीजिए, और हम लोग फिजिक्स के टर्म में इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसका एक बहुत बेसिक सा बात है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है। आप जिस फ्रेम से देखेंगे आपको वो चीज़ वैसा नज़र आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थियरी ऑफ रिलेटिविटी। आगे चल करके इस पर बहुत ज़्यादा अभी इस पर रिसर्च नहीं हुआ है। सो जितनी बातें इमेजिनेशन में थी वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। बचा खुचा बात आप लोग MSc में पढ़ेंगे, है ना। BSc में ये एक ही बार मिलेगा और अंतिम बार मिलेगा। हालांकि इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो फिजिक्स के वेरियस चैप्टर्स में यूज होते हुए आएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं लो वेलोसिटी फिजिक्स। इसको हम लोग कहते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। इसको हम लोग कहते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। अब ये नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स को जो है हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं। ये नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट को हम कहेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में वही आपका जो आपने 11th 12th में पढ़ा है, ग्रेविटेशन से शुरू करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फिर आपका जो है सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर जो है केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, है ना। और तमाम तरह का बात इसमें मैकेनिक्स में वही पुराना वाला ही है, कुछ नया नहीं रहेगा। हाँ, बहुत सारे फॉर्मूला वहाँ पर आपको लिख दिए गए होंगे, जैसे बर्नौली का इक्वेशन सब बिना प्रूफ किए हुए, यूलर्स का इक्वेशन सब, जो कि BPSC का बहुत फेवरेट टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन। हर बार कुछ ना कुछ सवाल रहता ही रहता है उससे, तो वो सारा टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएगा। यहीं पर आपको इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का भी एक टॉपिक मिलेगा, जिसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम कहेंगे, है ना, बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम कहेंगे, ठीक है। तो वो भी इस चैप्टर में हमको मिल जाएगा। मैकेनिक्स के बाद एक अगला पेपर जो हम लोग पढ़ते हैं वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। ये बिल्कुल नया है, इसमें केवल यही टॉपिक आपका 11th और 12th का मिलेगा, उसके बाद दोनों टॉपिक आपको नया। अब क्लासिकल मैकेनिक्स एक अलग नज़रिया है सोचने का। हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर कैसे काम करते थे, अगर आपको याद होगा तो 11th 12th में अगर हमको सिस्टम ऑफ पार्टिकल दिया हुआ रहता था तो हम उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक सेंटर ऑफ मास फाइंड करते थे, और कहते थे कि सेंटर ऑफ मास का जिस प्रकार का भी मोशन होगा पूरे सिस्टम का मोशन वैसा ही होगा, और पूरे सिस्टम के पार्टिकल का मोशन भी वैसा ही होगा। नहीं, यही हम लोग कैलकुलेट करते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई ट्रेन चल रही है तो ट्रेन का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास है। इफ ट्रेन इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, देन ईच पार्टिकल इन साइड द ट्रेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। नहीं, अब यहीं पर हम थोड़ा सा रुकेंगे। कहेंगे सपोज करिए कि ट्रेन में एक खंभा गड़ा हुआ है और कोई लड़का जो है वो खंभा पकड़ करके गोल गोल घूम रहा है, खंभा पकड़ के गोल गोल घूम रहा है। अब क्या होगा, अब उस लड़के का पाथ कैसा होगा? नहीं, सर्कुलर तो तब होगा जब आप ट्रेन के अंदर बैठ के देखेंगे, और यदि आप ट्रेन के बाहर बैठ के देखेंगे तो कैसा होगा? जलेबी जैसा होगा। नहीं, आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट करें तो उस लड़के का मोशन कैसा है? लीनियर है। तो क्वाइट डिफरेंट है, नहीं, मोशन कैसा हो गया? क्वाइट डिफरेंट। कहाँ तो वो पाथ इस प्रकार का, और कहाँ पाथ जो है वो आ रहा है लीनियर। तो सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम था, मतलब पार्टिकल का एग्जैक्ट मोशन नहीं पता चल रहा था। हमको सिस्टम का मोशन पता चल रहा था लेकिन सिस्टम के प्रत्येक पार्टिकल का मोशन पता नहीं चल रहा था। तो यहीं पर जो है एक कॉन्सेप्ट आया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, जिसको फिजिकली हम कहते हैं कि चीज़ें 3 डाइमेंशनल होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हम लोग कहते हैं कि 3 डाइमेंशन ही रियल है,
रिलेटिविटी वाला पेपर हम लोग को सिखाता है कि नहीं, एक और डायमेंशन है, चौथा डायमेंशन, जिसको हम लोग टाइम डायमेंशन कहते हैं, और यह जो है कहाँ स्थित है, इमेजिनरी स्पेस में। जो हम देख पाते हैं वो रियल स्पेस है, जो नहीं देख पाते हैं वो सब कहाँ है, इमेजिनरी स्पेस है। इमेजिनरी स्पेस का बड़ा अपना एक खूबसूरती है। एक हॉलीवुड में, हॉलीवुड की सिनेमाएं जो साईफाई मूवी होती है वो देखा करिए, है ना, टाइम मिले तो। बाकी लव स्टोरी बॉलीवुड का छोड़ दीजिए, और एक्शन फिल्में साउथ का इसको भी छोड़ दीजिए, साईफाई मूवीज़ देखा करिए। आपको अपने फिजिक्स में जो रिजल्ट्स मिलेंगे, उन सारे रिजल्ट्स का वो लोग एप्लीकेशन करके दिखाते हैं, और बहुत सहायक होगा। मुझे तो स्पेशली बहुत बेनिफिट हुआ। शुरुआत में प्रयास करिए हिंदी में ही देखने का, लेकिन अगर जैसे जैसे अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो प्रयास करिए उसको इंग्लिश में देखने का, साईफाई मूवीज़। उसमें आपको फिजिक्स के बहुत सारे रिजल्ट्स वहाँ पर बताए जाते हैं, देखिएगा। तो खैर, तो हमने कहा कि जो मोशन सिस्टम का होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी प्रकार का मोशन सिस्टम के सारे पार्टिकल का हो। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ट्रेन का लिया कि ट्रेन के अंदर एक लड़का जो है रॉड को पकड़ करके गोल गोल घूम रहा है, तो उसका मोशन स्पाइरल हो गया, है ना। आज जबकि ट्रेन का मोशन कैसा है, लीनियर है। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी सेंटर ऑफ मास से कुछ ऐसे रिजल्ट आ जाते हैं, सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट से, जो हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं होते। तो उनके लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हम लोग विकसित किए। अभी हम लोग तीन डायमेंशन पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एन डायमेंशन स्पेस, और वहाँ पर बताएंगे कि ये पॉसिबल है, मैथमेटिकली पॉसिबल है, और आप इसको किस प्रकार से इमेजिन करेंगे, हाउ कैन यू इमेजिन एन एन डायमेंशनल स्पेस। और एन डायमेंशनल स्पेस में, जैसे थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो कोऑर्डिनेट्स हैं, या तो अगर आप एक्स वाई जेड यूज करते हैं तो कहते हैं उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आर थीटा फाई यूज करते हैं तो कहते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, रो थीटा जेड यूज करते हैं तो आप कहते हैं कि ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो थ्री डायमेंशन में तो कोऑर्डिनेट्स का कुछ ना कुछ नाम है, कार्टेशियन नाम है, पोलर नाम है, स्फेरिकल नाम है, सिलिंड्रिकल नाम है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम का। उसी प्रकार से जब हम एन डायमेंशनल स्पेस इमेजिन करते हैं तो उस स्पेस में जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम लोग कहते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अभी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक कॉन्सेप्ट आया जिस पर सबसे पहले काम जो है डी एल एम्बर्ट ने किया, वहाँ पर डी एल एम्बर्ट का हम लोग प्रिंसिपल पढ़ते हैं। इसको पुट फॉरवर्ड जो है आगे, बहुत आगे तक लेगारेंजियन ले गए, लेगारेंजियन के बाद हैमिल्टोनियन आए, इसके बाद जेकोबी आए, यूलर्स ने भी बहुत काम किया यहाँ पर, है ना। तो धीरे धीरे कर करके ये थ्योरी भी काफ़ी विकसित हो गई, और हायर फिजिक्स में जाने के बाद मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट शायद ही काम आता है जो 11th 12th में पढ़ के आए, लेकिन सबसे ज़्यादा काम आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है। अच्छा, और ज़्यादा एडवांस फिजिक्स में जाइएगा तो दरअसल क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी का भी अपना एक लिमिटेशन है ना। फिर हम लोग बाद में ये वाला थ्योरी भी डिस्कार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे पार्टिकल्स की संख्या अगर सीमित है तब तो ये वाला काम आ जाता है, लेकिन पार्टिकल की संख्या असीमित है, बहुत सारे हैं, है ना। जैसे फोटॉन्स पे कैलकुलेशन अगर हमको मिल जाए, किसी मेटल एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कैलकुलेशन मिल जाए, तो दीज आर एक्सेस नंबर, है ना। और इन पार्टिकल्स में मोशन भी जो है वो रैंडम होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, कोई पैटर्न नहीं। तो इस सब तरह के पार्टिकल का अपना कैलकुलेशन होता है, वो हम लोग इसके लिए एक अलग प्रकार का मैकेनिक्स डिफाइन करते हैं, थर्ड ईयर में आप लोग को पढ़ना है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। वहाँ पर तीन प्रकार के मॉलिक्यूल, तीन प्रकार के पार्टिकल के लिए तीन प्रकार के स्टैटिस्टिक्स डिराइव करते हैं, पार्टिकल विथ नो स्पिन, पार्टिकल विथ इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन, एंड पार्टिकल विथ हाफ इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन। तीन प्रकार के पार्टिकल होते हैं। तो पार्टिकल विथ नो स्पिन के लिए एक स्टैटिस्टिक्स आता है मैक्सवेल एंड बोल्जमैन का, तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्सवेल बोल्जमैन स्टैटिस्टिक्स, एंड दीज आर द सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, ठीक है।
उसके बाद एक प्रकार का पार्टिकल आता है, पार्टिकल विथ हाफ इंटीग्रल स्पिन। पार्टिकल विथ हाफ इंटीग्रल स्पिन जो है वह फर्मी डिराक के स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस है सब में। फर्मी डिराक दो साइंटिस्ट थे, एनरिको फर्मी और डिराक, दो साइंटिस्ट थे एनरिको फर्मी और डिराक। उन्होंने इस प्रकार के हाफ इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल के लिए एक स्टैटिस्टिक्स डिराइव किया जिसको हम लोग फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और जो भी पार्टिकल इस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है उसको हम लोग फर्मियॉन्स कहते हैं। इसीलिए जब आप 11 12th पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स को कहीं कहीं पर फर्मियॉन्स भी लिखा जाता था। तो इलेक्ट्रॉन को फर्मियॉन इसीलिए कहते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मी डिराक के स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। बोसॉन का नाम सुने, बोसॉन्स गॉड पार्टिकल, नाम सुने हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल, अरे बड़ा चर्चा में रहता है साइंस के चक्कर में। तो गॉड पार्टिकल नाम का कोई चीज नहीं है, ये एक प्रिंटिंग प्रेस के मिस्टेक है। दरअसल नाम था इसका गुड्स पार्टिकल। गुड्स पार्टिकल इसलिए क्योंकि हम लोग लाइट को कहते थे, लाइट का भी दो थ्योरी है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसको हम लोग क्लासिकल थ्योरी कहते हैं, जिसमें हमको यह बताया जाता है कि लाइट जो है वह एक वेव है और कैसे फ्लो करता है, तो वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में पीरियोडिकली वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो करता है या लाइट फ्लो करता है, ऐसा हमको क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में सिखाया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ लाइट या क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी के तर्ज पर इसका नाम भी हम लोगों ने रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बियॉन्ड एक थ्योरी और है जिसको हम लोग कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसके बियॉन्ड जो थ्योरी है कर्पस्कुलर थ्योरी, जिसका ओरिजिनेशन सबसे पहले और सबसे सटीक प्लैंक ने बताया था, प्लैंक ने अपने रेडिएशन वाले, इसी साल पढ़ना है पेपर टू में प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला। तो प्लैंक ने सबसे पहले बताया था कि ये लाइट जो है ना ये पार्टिकल से मिल करके बना है, ऐसा पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। सारा कैलकुलेशन इस पर करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर, जिसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। तो रिलेटिविटी का ही एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा तो उसका मास डिजल्व हो जाएगा, पार्टिकल पर कोई मास नहीं रहेगा, पार्टिकल कैरेक्टर पार्टिकल अपना खो देगा और वो क्या हो जाएगा, वेव कैरेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेव कैरेक्टर हो जाएगा। तो ऐसा इसी पेपर का है। तो कहा गया कि देखिए जो लाइट है वो भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, इन पार्टिकल्स का रेस्ट मास जो है वो जीरो है ना, यह स्पीड ऑफ लाइट से चलता है और इस पार्टिकल की अपनी एक एनर्जी है जो कि E बराबर एच न्यू होता है, प्लैंक्स या फॉर्मूला दिए थे हम लोगों को। तो एक थ्योरी यहाँ पर यह भी आता है लाइट के केस में। अब देखो फोटॉन्स के बारे में भी बताया गया कि फोटॉन्स के पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्पिन होते हैं और ये भी सिंपल स्टैटिस्टिक्स को फॉलो नहीं करते, ये भी सिंपल स्टैटिस्टिक्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो इनके लिए भी एक अलग प्रकार का स्टैटिस्टिक्स बनाया गया जो हमारे बंगाल के थे, पश्चिम बंगाल के सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन की कंबाइन थियोरी है जिसको हम लोग बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के आगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी तो केवल अभी फर्स्ट ईयर में ही है तो थोड़ा बच्चा वाला, धीरे 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 जैसे जैसे हमारा माइंड मेच्योर होते जाएगा हम चीज़ें सीखते जाएंगे, हम और ज़्यादा इमेजिनेटिव होते जाएंगे। सो दीज आर योर इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर वन। कोई दिक्कत इसमें, प्रिंट कर लो, इसके लिए किताब का लिस्ट जो है वो आप लोगों को ऑफिस में मिला ही होगा इंक्वायरी में जब आए होंगे, तो वो ले लीजिएगा। ऐसे हम फिर भी यहाँ पर लिख देते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में के लिए बुक जो है वो है रॉबर्ट रेसनिक का, मैकेनिक्स जो है आप लोग ले लेंगे डीएस माथुर का, और क्लासिकल मैकेनिक्स ले लेंगे
जेसी उपाध्याय का। फोन अंदर रख लीजिए पैकेट में या बैग में, फोन पैकेट में या बैग में रख लीजिए, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। क्लासरूम के अंदर फोन कभी बाहर नहीं रखिएगा, या तो पैकेट में या तो बैग में, वे साइलेंट मोड में। यहाँ पर सब चीज़ की पढ़ाई होगी, सारे थ्योरी पेपर का है ना, फिजिक्स ऑनर्स पेपर होगा ही, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की क्लास भी यहीं पर अवेलेबल है। अगर आप लोग को ज़रूरत होगी तो आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ हाँ कंपलसरी है। एक चीज़ याद रखना मेरा हमेशा बात, कि सेल्फ स्टडी दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टडी है, और जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स भी पाए गए हैं वो सेल्फ स्टडी से ही पाए गए हैं। टीचर्स का या कोच का ज़रूरत तब बच्चे को पड़ता है जब वो या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो या तो बिलो देन एवरेज हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहने का मतलब है जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, उसके मन में बहुत सारा सवाल होता है, तो उसको पूछने के लिए टीचर की आवश्यकता होती है। या फिर जो बच्चा वीक है, जिसको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, है ना, उनको भी कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। और एक आजकल नया वेरिएशन आया है कि जनरल कंपटीशन वाले दौर में उनको तैयारी करनी है, जनरल कंपटीशन की नौकरी लेना है, तो इन वाले बच्चों को भी अपना नॉलेज अपने पेपर का होना चाहिए, इसलिए क्योंकि सबको नौकरी नहीं लग सकती। बात मानते हो ना, इस देश में 60 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और नौकरी कभी भी 60 करोड़ नहीं है। सो वी ऑलवेज कीप अ सेफ हैंड, कि अगर हमको अपने पेपर का नॉलेज होगा तो हम अपना पेपर पढ़ा सकेंगे, टीच कर सकेंगे, नहीं और पढ़ा तो बना सकेंगे जब हमको डेप्थ होगा, है? तो इसीलिए हम लोग ऑनर्स की क्लास लेते हैं, तो वो वाले बच्चे भी क्लासरूम में रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये आपका पेपर वन का इंट्रोडक्शन हुआ। पेपर टू में इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, आप लोग भली भांति इसके जो जानते हैं, फिजिक्स ऑनर्स पेपर टू, पेपर टू को आप भली भांति जानते हैं, जिसमें हम लोग जो है पीट पढ़ेंगे। पीट में स्टार्ट करेंगे हम लोग काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज से, ब्राउनियन मोशन, ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन, है ना, ये सब छोटा छोटा चीज़ें पढ़ते हुए निकलेंगे। इसके बाद जो सबसे मेजर सेक्शन है वह है थर्मोडायनामिक्स का। थर्मोडायनामिक्स के कितने लॉ हैं? 4 लॉ हैं। लोग कहते हैं 3 लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन एक और लॉ है जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स के कितने लॉ हैं? जेरोथ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इस तीनों के इर्द गिर्द हमारा जो है पूरा सिलेबस घूमेगा। और एक और टॉपिक इसमें आ जाएगा, मैक्सवेल्स का थर्मोडायनामिक रिलेशंस। हम लोग इसी 4 टॉपिक के इर्द गिर्द पूरा थर्मोडायनामिक्स का पेपर रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे रेडिएशन को, रेडिएशन को, और रेडिएशन का सारा क्लासिकल थ्योरी पढ़ने के बाद प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो जहाँ से क्वांटम थ्योरी की शुरुआत होती है, और उसके बाद रोक देंगे। समझ गए? तो यहाँ जो बता रहे थे, कहाँ बता रहे थे, रिलेटिविटी में प्लैंक्स लॉ की आएगा, तो प्लैंक की थ्योरी डिराइव करने के बाद जो है हम रुक जाएंगे, उसके बाद वाला टॉपिक याद रखेंगे, फिर थर्ड ईयर में उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सो बेसिकली पार्ट 1 एक आईना है,
कि आपको आगे किन किन चीज़ों से पाला पड़ना है। ठीक है, तो अगले दिन जो है कुछ बेसिक शुरू कर लेते हैं, जहाँ पर आप 11th 12th छोड़ के आए हैं और जहाँ पर BSc स्टार्ट करना है, इनके बीच में कॉन्सेप्ट का एक खाई है, पहले उसको भर लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से फर्स्ट ईयर हम लोग स्टार्ट करेंगे। 11th 12th में हम लोगों को दरअसल न्यूमेरिकल बनवाया जाता है, या तो न्यूमेरिकल बनवाया जाता है या तो थ्योरी पढ़ाया जाता है ना। और थ्योरी पढ़ाने का मोड अपने बिहार में ऐसा है कि लोग रटवाते हैं, हर एक चीज़ आप लोग रट के आते हैं, और न्यूमेरिकल बनाने वाले लोग एकदम कॉन्सेप्ट उनको याद करा दिया गया, एकदम धड़ल्ले से न्यूमेरिकल बना रहे हैं। दोनों मोड अपने जगह पर सही है, लेकिन BSc में ये दोनों में से कोई भी मोड नहीं चलेगा। आपको ऑनर्स मिला है फिजिक्स, 3 साल के बाद आपको फिजिक्स में सम्मान मिलेगा, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, सम्मान मिलेगा। सो 3 साल के बाद अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है, तो लोग जो इंटरव्यू कमेटी में बैठे हुए होंगे उनको एक एक्सपेक्टेशन होगा कि आप फिजिक्स के किसी भी टॉपिक पर घंटों बोल सकें, उनका ये एक्सपेक्टेशन होगा आपसे, है ना। और तो न्यूमेरिकल बनाने वाले लोग घंटों नहीं बोल सकते, वो लोग एक लाइन बोलेंगे न्यूमेरिकल बनाएंगे, थ्योरी वाले लोग रटने वाले लोग भी घंटों नहीं बोल सकते, है ना। आपको याद होगा कि शिकागो में हमारे जो ये थे, क्या नाम था उनका, वो पगड़ी पहनते थे, स्वामी विवेकानंद, शिकागो में शुरुआत किए 0 पर बोलना, तो 3 घंटे का एक लंबा सा लेक्चर दे दिए, है ना, इसीलिए वो सम्मानित किए गए अमेरिका में, है ना। तो कहने का मतलब है कि ऑनर्स अगर आप कर लिए हैं तो आप चीज़ों को कितना इलाबोरेट कर सकते हैं। इसीलिए एक कल्चर भी है कि अगर आप BSc में फाइनल में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। ऐसा कभी मत करना BSc में कि टू द पॉइंट आप आंसर लिखें, जो क्वेश्चन पूछेगा जितना उतने लिखेंगे, नहीं, ग्रेजुएशन का वो मतलब ही नहीं है। ग्रेजुएशन का मतलब ही है कि आप कितना ज़्यादा जानते हैं, आप जितना ज़्यादा जानते हैं आप उतना ज़्यादा लिखिए। 36 पेज 32 पेज 3 घंटा के एग्ज़ाम में लोग लिख लेते हैं, सो मेंटेन करिएगा उसको, ठीक है। तो अगले दिन हम लोग कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों की मर्जी होगी, ठीक है। कोई दिक्कत आ क्लास में?